हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वील बी टॉकिंग अबाउट अ कंपनी कॉल्ड हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। नाम बहुत अच्छा रखा है, कंपनी भी अच्छी ही लग रही है। आईपीओ के टाइम वी वर अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, थोड़ा स्केप्टिसिज्म था हमारे माइंड में, थोड़े डाउट्स थे कि कितना सस्टेन करेगी, नंबर्स क्या होंगे। एज आई सेड, IPO जो होता है ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कभी ट्रू पिक्चर इमीडिएटली आपको बताएगा नहीं। क्विकली हैप्पीएस्ट माइंड्स का थोड़ा मैं आपको डिटेल बताता हूँ इन दिस वीडियो, एंड इसका एक पार्ट टू बनाऊँगा, क्विक पार्ट टू बनाएंगे जिसमें इसके टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखेंगे थोड़ा। सो द कंपनी इज़ इन द राइट बिजनेस, IT कंपनी रैंक नंबर 4 इन IT सर्विसेज। इट वर्क्स ऑन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द कंपनी, ऑल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है, एंड द फ्यूचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी स्पेशली ब्लॉकचेन, AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। ग्लास डोर जो एक रिव्यू प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉरपोरेट कंपनीज़ के वर्क कल्चर पे एम्प्लॉयज़ उनको रिव्यू करते हैं, ग्लास डोर पे हैप्पीएस्ट माइंड्स को रेटिंग मिला है 4.2 आउट ऑफ 5, विच इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली। IT कंपनीज़ में रेटिंग मिलता नहीं है इतना अच्छा, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। एक ही चैलेंज है गाइज इस कंपनी का, मिस्टर अशोक सुटा जो इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, आई एम रियली नॉट श्योर, अभी मेरा रिसर्च चल रहा है कि इस कंपनी का जो बैकअप है, दिस गाय इज़ 70+ years old, इनके विजडम और इनके कंजर्वेटिव ग्रोथ टेक्निक के वजह से कंपनी इतना ग्रो कर चुकी है ऑलरेडी, लिस्टिंग से काफ़ी ऊपर आ चुकी है। IPO वॉज ऑन September 2020। लेकिन वॉट नेक्स्ट आफ्टर मिस्टर सूटा, सूटा साहब का लेगेसी कितना स्ट्रॉन्ग है कि इस कंपनी को आगे लेके जाएगा, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट आंसर। कि जैसे HDFC बैंक का जो मैनेजमेंट चेंज हुआ वो एकदम स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, किसी को पता भी नहीं चला, बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक सॉफ्टवेयर की तरह वो कंपनी चल रही है। कैन दिस कंपनी ऑल्सो गेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड रन लाइक अ सॉफ्टवेयर? ये तो IT कंपनी है, तो देखना पड़ेगा, वील हैव टू सी। ROE ROC इज़ वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक। एज यू कैन सी, लिस्टिंग के बाद से इसके गेन्स भी काफ़ी हुए हैं, वन वे ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक चला है। मतलब ये क्लासिक, अगर मैं आपको एक क्लासिक वन ईयर ग्राफ दिखाना चाहूँ, आई वुडेंट गो बेटर देन दिस। ये एक क्लासिक वन ईयर ग्राफ है, जो डिप्स मिलते हैं, डिप्स के बाद वापस बाइंग होती है, फिर डिप आता है, फिर बाइंग, ज़बरदस्त बाउंस मिलता है, अगेन देर इज़ अ डिप, अगेन देर इज़ अ बाइंग, अगेन देर इज़ अ मेजर डिप हियर। सो 10th May 860 rupees पे गया, एंड देन फॉर सम रीज़न 728, मतलब अच्छा खासा डिप हुआ है ये वहाँ से, 860 से 728, इट्स ऑलमोस्ट 140 points, विच इज़ 15% का डिप लिया। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये जो करंट प्राइस पे है ये ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है, 762 या जो भी इसका अभी करंट प्राइस आप देखेंगे, ओवरबॉट, काफ़ी हद तक इसका RSI बहुत ऊपर चला गया होगा, दैट्स व्हाट आई कैन अज्यूम। बट नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी मार्केट लीडर तो नहीं है गाइस, न्यू कंपनी है, अपने सेक्टर में अच्छा कर रही है, बट मार्केट लीडर फ्रेंचाइज तो अभी तक नहीं है। मुझे व्हाई आई ब्रॉट माय लेंस ऑन हैप्पीएस्ट माइंड्स, क्योंकि ये देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है, या सो देखो, हम इफ़ यू नो बाय नाउ, मैं कंसिस्टेंसी देखता हूँ नेट प्रॉफिट में और EPS, अर्निंग्स पर शेयर तो अभी लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई है तो 11 rupees का EPS है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं रहा है इसका, इट्स बिन नेगेटिव 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 फर्स्ट 3 years, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर यू नो ब्रेक इवन हुआ होगा, फिर ये देखिए मार्च 2018 में तो नेगेटिव था, लेकिन दिस आफ्टर लिस्टिंग के बाद ये जो जंप है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग मी ऑल्सो एंड थ्रोइंग सम कॉशन टू द विंड्स ऑल्सो। थोड़ा कॉशनरी टेल है, अगर आपने लिस्टिंग में लिया हुआ है, प्रॉफिट्स बुक किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में ये बैड बेट है, आप रखो लॉन्ग टर्म के लिए, दिस इज़ अ गुड वन, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आप मेरा इसी का नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो on whether to enter, what levels to enter in this.
ओवरऑल लेकिन मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है. हैप्पीएस्ट माइंड्स, लुक एट द आरओसी. डाउट्स आते हैं जब हम ऐसा आरओसी देखते हैं, तो लगता है कि और थोड़े साल इस कंपनी को लगेंगे शायद ग्रो करने में. बट नेगेटिव आरओसी ऑफ 65% इन मार्च 2013, दैट्स नॉट गुड. दिस देन -84% आरओसी, नॉट गुड या. बट ग्रोथ के बाद फिर कम होते 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 फाइनली देखिए, अभी मेरी नज़र इसलिए पड़ी बिकॉज इन माई फिल्टर आरओसी में थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है एंड डेटर डेज भी इम्प्रूव हुए हैं, विच मीन्स द कैपेसिटी, द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी हैव रियली इम्प्रूव्ड, अगर उनके ये सब चीज़ें आप जो वॉट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो ओवरऑल चैलेंजेस है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, बट लेट्स वेट फॉर आर पार्ट टू ऑन हैप्पीएस्ट माइंड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, शुड वी एंटर, वॉट शुड वी डू. डेफिनेटली 756 जो करंट प्राइस है थोड़ा ओवरबॉट है गाइज. सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो, वील कंटिन्यू विथ हैप्पीएस्ट माइंड्स. टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग.